नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ गेटेड सोसाइटी के अंदर। अभी ये डेवलप हो रहा है ये वाला एरिया, तो सोसाइटी का नाम है माता गुजरी न्यू इनक्लेव के नेम से ये प्रोजेक्ट है अपना। देख सकते हैं ओन हाईवे प्रोजेक्ट है उधर सामने, बट अभी थोड़ी सी फॉग है, तो ये अपना लुधियाना हाईवे रहने वाला है। लुधियाना हाईवे से ये रहेगा सिर्फ आपका 200 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर हम नियर बाय की बात करें तो आपको इस प्रोजेक्ट में जो है पार्क भी अवेलेबल करवा रहे हैं, साथ के साथ ही आपको वॉक इन डिस्टेंस पे मिलने वाला है दोस्तों कॉलेजेस। अगर हम कॉलेजेस देखें तो नियर बाय आपका कॉलेजेस रहने वाला है GGS कॉलेज, ये देख सकते हैं आप, और स्कूल भी इसके साथ नियर बाय है माइंड्री स्कूल CBSE बोर्ड का। एंड अगर आपके घर पे या छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं तो इजीली आप यहां से वॉक इन डिस्टेंस पे आप मतलब ले सकते हैं घर। तो प्लीज़ आप आइए, साइट विजिट करिए और देखिए। और जो मैं आपको अभी घर दिखाने जा रही हूँ, अच्छी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसका जो साइज़ रहने वाला है 112 गज का ये अपना हाउस है, जिसका फ्रंट रहेगा 21, एंड जो इसके विड्थ है नहीं जो सॉरी इसकी लेंथ रहने वाली है 48। तो 21x48 में ये जो है अपना घर बन रहा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह से अभी कितना वर्क हो रखा है एंड कितने फुट नीचे से हमने इसका बेस उठाया, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस प्रोजेक्ट में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों साथ के साथ ही हम चलते हैं अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं 30 फुट का आपका ये वाला रोड रहने वाला है बीच में, और इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और MC अप्रूव्ड आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है गेटेड सोसाइटी के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी कितना काम चला है, और आपको फ्रंट में ही मिलने वाली है दोस्तों शॉप्स। फ्रंट में शॉप्स रहेगी, उसके बाद साथ के साथ ही आपको इधर इंडिपेंडेंट हाउसेस वगैरह बन रहे अभी, जिसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो है फ्लोर प्लान रहने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पे आप रैंप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइज की बात करें, 21 इसकी जो है विड्थ रहने वाली है, 48 इसकी लेंथ रहने वाली है। इसी के साथ ही यहाँ पे रैंप जहाँ पे आप अपना ग्रीन एरिया बना सकते हैं, इसको यहाँ से लगेगा आपका मेन गेट। अगर हम मेन गेट की बात करें तो इसी के साथ ही इस साइड को आ जाता है आपका पॉर्च एरिया, जहाँ पे आप अपना टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये आपका रहने वाला है पॉर्च एरिया 10x16 का। 10x16 एक बहुत बड़ा साइज होता है, जिसमें आप अपना SUV कार हो या सिडान कार हो या स्पोर्ट्स कार हो या फॉर्चूनर हो, वो आप जो है यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही देख सकते हैं यहाँ से रहेगी आपकी अपस्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर के लिए। एंड इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है आपका डोर। डोर के साथ ही अंदर को एंटर होते हुए या तो आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज रहने वाला है 10x19 का। देख सकते हैं यहाँ पे आप इजीली अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं या डाइनिंग टेबल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको मिलने वाला है एक मॉड्यूलर किचन, ये भी काफ़ी वाइड है 10x7 का इसका जो साइज रहने वाला है, देख सकते हैं आप। इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ से रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर, तो ये आपका बेडरूम आ जाता है। बेडरूम का साइज रहने वाला है 10x13 का, तो काफ़ी बड़ा साइज होता है बेडरूम का भी 10x13 का। वहाँ पे भी आप अपना बेड लगाना चाहे या अलमीरा टाइप इस तरह से कवर्स वगैरह बनाना चाहे वो आप इजीली बना सकते हैं। अगर हम इस साइड को देखें, अच्छा ये बेडरूम के साथ ही यहाँ पे मिलेगा आपको वॉशरूम अटैच, जिसका साइज है 5x7 का। अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे रहेगा आपका हॉल प्लस बेडरूम का अटैच वॉशरूम, जिसका साइज है 6x5 का। तो इसी के साथ ही इस साइड को रहेगा आपका बेडरूम, जिसका साइज है 9x14 का, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही आपको इस साइड को मिलेगा वॉशिंग एरिया, क्या बोल रही है, ओपन एरिया। तो दोस्तों देख सकते हैं इस साइड को ये रहेगा आपका ओपन एरिया, जहाँ पे काफी वेंटिलेशन आपके प्रॉपर बेडरूम में आ सके। तो वेंटिलेशन आपको बेडरूम में भी मिलने वाली है, लॉबी में भी मिलने वाली है, और आपके किचन एरिया में भी मिलने वाली है। तो ये था हमारा एक फ्लोर प्लान, बाकी ये मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इसके साइज वगैरह, तो आप वहाँ पे आके भी देख सकते हैं। तो
तो आइए इसी के साथ ही देख सकते हैं मेरे बैक साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस ये चल रहा है। अगर हम बात करें ये वाले एरिया की तो यहाँ पे जो है आप अपना ग्रीन एरिया भी आप इसको बना सकते हैं जहाँ पे अपने फ्लावर पॉट लगाना चाहें वो भी। एंड आइए हम देखते हैं इसको कि हमने फाउंडेशन कितने नीचे से हमने इसकी उठाई है। तो बात करते हैं फाउंडेशन की, अगर देखें तो ये हमने 6 फुट नीचे से हम इसकी फाउंडेशन उठा रहे हैं। तो अगर इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड इसी के ऊपर जो अपनी टू व्हीलर भी आप इजीली अपनी बाइक या एक्टिवा पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है आपका पॉर्श एरिया जहाँ पे आप अपनी एसयूवी कार हो या सिडान कार हो वो भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है अपना लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया एंड जो इसकी डाइमेंशंस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप वहां पे इसको प्रॉपर देखें। एंड अगर हम इस साइड को देखें तो इस साइड को रहने वाला है किचन, आपका प्रॉपर मॉड्यूलर किचन रहेगा जिसमें प्रॉपर कबर्ड्स वगैरह बने रहेंगे। और इसी के साथ ही अगर उस साइड को देखें भैया तो ये रहने वाला है अपना फर्स्ट बेडरूम। इसी के साथ ही इस साइड को रहेगा आपका अटैच वॉशरूम। एंड अगर हम उस साइड को देखें तो सेकंड बेडरूम के साथ रहने वाला है अटैच वॉशरूम देन वॉशिंग एरिया। अगर हम बात करें पिलर की तो एक घर में हमारे पड़े हैं 7 पिलर देख सकते हैं आप। इसमें जो हम TMT बार ISI मार्क के हम यूज कर रहे हैं देख सकते हैं। 7 पिलर दिखाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7 तो देख सकते हैं। तो इसके बाद ही अभी ये फिल होना है फ्लाई ऐश से, फ्लाई ऐश देख सकते हैं आप इस साइड को। तो आइए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि हम इसमें कौन कौन सी ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड जो सैंड है वो कौन सा यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ के साथ ही विद प्रूफ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इसमें जो है सुबह शाम प्रॉपर तराई देते हैं। ये देखिए हमने एक बंदा डेली रखा है जो आपको यहाँ पे सुबह शाम तराई देते हुए मिलेगा। अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ उस साइड को हमारी जो है बजरी रहने वाली है। अगर इस साइड को देखें तो ये कर रहे हैं हम क्रैशर रेता यूज। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको ब्रिक्स दिखाती हूँ कि ब्रिक्स हम कौन सी यूज कर रहे हैं। ब्रिक्स हम दो यूज कर रहे हैं, एक तो अपनी ACC की कंक्रीट ब्रिक्स यूज कर रहे हैं एंड इसी के साथ ही KKK की कर रहे हैं एक नंबर ब्रिक्स यूज। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की तो ये रहेगा अपना अंबुजा सीमेंट जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये था हमारा इंडिपेंडेंट हाउसेस जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसका बेस तो आपने देख लिया है कि बेस अगर इतना स्ट्रांग होगा तो तभी आपका मकान ऊपर जाके स्ट्रांग होगा। तो देख सकते हैं इसमें लोन फैसिलिटी भी हम आपको अवेलेबल करवा के दे रहे हैं और साथ के साथ ही MC अप्रूव्ड ये एरिया रहने वाला है। अगर आप फ्लैट्स वगैरह भी देख रहे हैं या प्लॉट्स देख रहे हैं तो प्लॉट्स अपने पास अवेलेबल है 7,000 पर गज के हिसाब से, वो पंचायत के अंडर MC के अंडर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी क्योंकि अप एंड डाउन हमारे चले रहते हैं। तो प्लीज़ आप आइए साइट विजिट करिए, देख सकते हैं नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलने वाली है। कैब फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी और ऑटो वगैरह वो भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे। बैंक अगर देखें तो वो आपके इसके अपोजिट साइड रहने वाला है और इसके साथ ही शॉपिंग मॉल हो गया या चंडीगढ़ यहाँ से रहेगा सिर्फ आपका 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मोहाली यहाँ से रहेगा सिर्फ आपका 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड नियर बाय आपको जो है हॉस्पिटल्स मिलने वाले हैं, डेली नीड्स की शॉप्स मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी ये एरिया जो है डेवलप हो रहा है तो फ्रंट में ही आपको मिलने वाले हैं शॉप्स और इस सोसाइटी में आपको मिलने वाले हैं पार्क और वाटर टैंक आपका जो है अंडरग्राउंड रहेगा हर उसमें। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको वाटर टैंक, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है बोर करा है जो उसकी 750 फिट उसकी जो गहराई है और उसी के साथ ही
आपका उस साइड को रहने वाला है एक छोटा सा पार्क, जहाँ पे आप इजीली सुबह शाम आपके बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या फिर जवान हो, वो इजीली वॉक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बोर भी दिखाई देती हूँ कि किस तरह से हमने वहाँ पे बोर कराया और कितने नज़दीक है आपके हाउस से। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने बोर की तरफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका जो है बोर रहने वाला है और यहाँ पे ग्रीन एरिया काफ़ी है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन वगैरह आप ले सके या वॉक वगैरह आप कर सके। तो ये थी हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई प्रॉपर्टियाँ मिलते रहें और दिखाते रहें। एक अंडर कंस्ट्रक्शन में ये बेनिफिट हो जाता है कि उसमें आप अपना जो इंटीरियर वो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें लगा सकते हैं, लाइक टाइल होगी आपकी या फिर वुडन का काम हो गया, डाउन सीलिंग का काम हो गया। अगर आप रेडी टू मूव घर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें पता नहीं पिलर, हमें मालूम नहीं होता कि पिलर पड़े होते हैं या नहीं होते, इसीलिए आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर लीजिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दिख जाती है कि कितने पिलर्स पड़े हैं या फिर कौन सी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन की। अगर आप भी हमसे घर लेना चाहते हैं खरड़ में या फिर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कंस्ट्रक्शन करवाइए, हम विद एग्रीमेंट आपको कंस्ट्रक्शन करवा के देंगे। एंड कितने टाइम पीरियड में हम आपको जो है घर हैंडओवर करके देते हैं वो भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी, एंड कौन सा रॉ मटेरियल हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हमारी साइट विजिट करिए, इसका जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी क्योंकि अप एंड डाउन हमारे चले रहते हैं। तो प्लीज़ आप आइए और हमारी साइट को विजिट करिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।